गृह मंत्री अमित शाह और उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने शनिवार को आजमगढ़ में स्टेट यूनिवर्सिटी की आधारशिला रखी। इस दौरान अमित शाह ने समाजवादी पार्टी पर जमकर निशाना साधा। शाह ने कहा, जिस आजमगढ़ को सपा शासन में दुनिया भर में कट्टरवादी सोच और आतंकवाद का अड्डा माना जाता था, उसी आजमगढ़ की भूमि पर आज माँ सरस्वती का धाम बनाने का काम होने जा रहा है। अमित शाह ने कहा, अब आजमगढ़ शिक्षा के लिए जाना जाएगा। मैं मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ को यहाँ बनने वाले विश्वविद्यालय का नाम महाराजा सुहेलदेव के नाम पर रखने का सुझाव देना चाहता हूँ। भ्रष्टाचार खत्म करने के लिए पीएम मोदी JAM लगाएं। अमित शाह ने कहा, मोदी जी JAM लगाएं ताकि भ्रष्टाचार के बिना खरीदी हो सके। जे का मतलब है जनधन खाता, ए का मतलब है आधार और एम का मतलब है हर हाथ में मोबाइल। उन्होंने कहा, मैंने गुजरात में ये बयान दिया तो सपा के नेता ने कहा कि हम भी JAM लगाए हैं। सपा के JAM का मतलब है जे से जिन्ना, ए से आजम खां और एम का मतलब मुख्तार। आश्चर्य लगा, मैंने एक पत्रकार को पूछा कि भाई ये कौन सा जैम लाए है, जरा जांच करो तो। उसने कहा, आपको मालूम नहीं है? मैंने बोला, नहीं मुझे नहीं मालूम है। उन्होंने कहा, उनके जैम का मतलब है जे से जिन्ना, ए से आजम खान और एम से मुख्तार। अब भाई आप मुझे बताओ, आपको भाजपा का जैम चाहिए या समाजवादी पार्टी का चाहिए? ये लोग उत्तर प्रदेश का भला नहीं कर सकते। जात पात में बांटना, दंगे कराना, तुष्टिकरण करना और वोट बैंक की राजनीति को आगे बढ़ाना। जैसे ही चुनाव आया है, अखिलेश जी को जिन्ना बहुत महान दिखने लगे हैं। मैं इतनी बड़ी भीड़ में बहुत सारे माइनॉरिटी के की भाई बहन बैठे हैं, कोई आदमी ऐसा है जिसको जिन्ना में महान व्यक्ति की नजर आती है? कोई है? अबे अखिलेश जी को लगता है भाई, क्योंकि चुनावी मौसम आया है। मगर मैं अखिलेश जी आपको एक बात कहता हूं, मैं योगी सरकार को एक सर्टिफिकेट देकर जाना चाहता हूं, उन्होंने पूर्वांचल को मच्छर और माफिया दोनों से मुक्त कर दिया है। यहां आप सब, अगर आपको हमारा वीडियो पसंद आया हो तो इसे लाइक करें, सब्सक्राइब करें और साथ ही बेल आइकन दबाना ना भूलें।